नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अग्रवाल रेडियो हिंदुस्तान पे लाई हूँ रामायण का एक प्रसंग जो कि बहुत ही बेहतरीन है। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर ने रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल दिया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण किसी भी क्षण अपने जीवन से मुक्त होने वाला था। राम को पता था कि रावण जो कि बहुत ज्ञानी है, दम तोड़ते ही रावण का ज्ञान भी उसके साथ ही चला जाएगा। कुछ है अभिन्न, अद्वितीय, अद्भुत जो रावण के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये दुनिया ज्ञानी व्यक्ति से अभिन्न रह जाएगी, वंचित रह जाएगी। श्री राम के गुणों में एक विशेष गुण ये था कि वो ज्ञान के पुजारी थे। वो जानते थे कि ज्ञान से बहुमूल्य वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं। वैसे तो लोग लालच को बुरा, निंदनीय मानते हैं, पर यदि बात ज्ञान की हो तो ज्ञान का लालच तो हर किसी को करना चाहिए। ये लालच श्री राम को भी था। चूंकि रावण मृत्यु शैया पे था, यानी मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था, तो राम ने सोचा रावण के जाने से पहले इस ज्ञान को यदि हम संजो लें तो इस दुनिया को रावण का ज्ञान दे पाएंगे। तो उन्होंने अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी को बुला कि लक्ष्मण जाओ और रावण के मृत्यु हो जाने से पहले उनके पास जाकर उनसे अनुरोध करो कि वो इस संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान का मोती डाल दे, ज्ञान का प्रकाश डाल दे। परंतु लक्ष्मण को अपने भैया की बात ठीक न लगी। वो कहने लगे, भैया ज्ञान तो गुरु से लिया जाता है, धर्मी से लिया जाता है, और ये अधर्मी क्या मुझे ज्ञान देंगे? ये मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? तब श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने अंदर शिष्य तो जगाओ, फिर कण कण में तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। जाओ, ये सुनहरा मौका अपने हाथों से ना जाने दो। श्री राम ने कितना बड़ा सच कह दिया था उस दिन कि जिनको ये शिकायत है कि अब तक सच्चा गुरु नहीं मिला, तो सच तो ये है कि उन्हें शिष्यता का भाव ही नहीं जगा। जिस दिन हमारे भीतर शिष्य की भावना जग जाएगी तो पग पग पर गुरु तो मिल जाएंगे। उस दिन जिस दिन गुरु मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। गुरु से धर्म, जाति, आयु और वेद नहीं पूछा जाता, बस गुरु तो गुरु होता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहे दरमियान। भैया की आज्ञा ना मानने का प्रश्न तो उठता ही नहीं था। फिर लक्ष्मण जी रावण के पास गए और बोले, हे दशानंद, मेरा निवेदन है कि आप जाते जाते मुझे सफल जीवन के सूत्र दे जाएं। रावण ने सुना पर कुछ कहा नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित होकर राम के पास गए और बोले, प्राण जाने को है मगर इसका अहंकार नहीं जा रहा। मुझे उत्तर देना तो दूर, बल्कि इसने तो मुंह घुमा लिया। तब राम ने कहा, तुमने सबसे पहले ज्ञान पे तो गौर ही नहीं किया। रावण ने सबसे पहला ज्ञान तो यही दिया है कि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है, सिर पर नहीं। जब तक तुम अहंकार नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसी के संग अगले दो बातें जो रावण ने कही वो मैं सुनाती हूँ अगले